A little different than all the rest. I quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सैटरडे है और अभी हम जा रहे हैं येशा के बास्केटबॉल क्लास के लिए। आज ही से स्टार्ट हो रहा है, वीक में दो दिन होगा, एक दिन मेन जो लेसन होगा और एक दिन प्रैक्टिस। तो मॉर्निंग में ही है और रोड देख के ना ऐसा लग रहा है कि फॉल जितना ही ज्यादा कलरफुल था, हम लाइक कलर मूवी से सीधे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में आ गए। ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट व्हाइट नहीं, ठीक है, कहीं कहीं वो ड्राई लीव्स ब्लैक ब्लैक दिख रही है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। और फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर के लिए रुका था, सूर्य देवता ताक झाक कर रहे थे तो लगा कि शायद थोड़ी सी धूप हो जाएगी, क्योंकि स्नो के साथ अगर धूप हो जाए ना तो फिर भी अच्छा लगता है। बट चलो, जो है वो है, सब लगे हुए हैं अपना ड्राइववे क्लीन करने में। वीकेंड की शुरुआत ऐसे ही होती है विंटर्स में, तो खैर वीकेंड हो वीक डे हो यही होता है कि ड्राइव पे क्लीन करो, फिर से स्नोफॉल होगा, फिर से भर जाएगा और फिर से क्लीन करो और जिम जाने के पूरे पैसे बचा लो। नहीं भाई, आपकी बैग की हालत भी खराब हो जाती है, मतलब अगर आप केयरफुली नहीं करते। प्रॉपर वे होता है, पोस्चर होता है, वैसे ही करना चाहिए। वैसे तो स्नो ब्लोअर और काफी बड़ा एरिया है तो वो, और क्या होता है वो जो बैठ के चलाते हैं उसको कुछ स्पेशल बोलते हैं? नहीं नहीं, वो उसके लिए नहीं होता, उस स्नो ब्लोअर ही होता है। वो तो जो ट्रैक्टर बोल रहे हो आप, ट्रैक्टर टाइप, वो ग्रास, अच्छा ग्रास के लिए होता है। वो तो इनके लिए भी होता है, लेकिन कितना बड़ा घर अगर हो तो ना। हाँ, इतना बड़ा ड्राइववे, क्योंकि ड्राइववे क्लीन करना होता है, बैकयार्ड ग्रास के ऊपर क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो इकट्ठा होता रहता है और जब सनी होता है तो मेल्ट हो जाता है। हेलो मिस्टर पीजी, कैसा चल रहा है विंटर? अभी अभी शुरुआत हुई है, देखो उसका हैट येलो से व्हाइट हो गया है, नोज पे भी तो जमी हुई, नोज पे भी जमी हुई। अरे उसको जैकेट वैकेट पहनाओ यार, बेचारा ठग फिर भी स्माइल कर रहा है, देखो। हाँ नहीं, देख लो वो, मतलब बेचारा जब समर था, फॉल था, हमेशा स्माइल करता रहता है, कितनी भी प्रॉब्लम हो हमेशा स्माइल करता रहता है। मतलब वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, जस्ट एंजॉय, स्माइल, बी हैप्पी। And then he speaks every single language. सारे लैंग्वेज स्पीक करता है वो, लॉट्स ऑफ हिंदी भी करता है। देखो बात करो तभी स्माइल कर रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना। Finally seem impossible to score, so I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but ujala hi ujala. These trees are so small. Kish? Kish को बड़े मजे आ रहे हैं स्नो देख के। कहाँ गया? छुप गया। और ये जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस और लेसन्स है ना, वो स्कूल्स में होते हैं, तो इंडोर ही है, ऑफ कोर्स इंडोर ही होगा, और हर बार ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में। तो आज जैसे हम स्कूल में आए ना, ये फ्रेंच इमर्जन स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है, एक हॉल करके नाम है, नाम से ही पता चलता है कि फ्रेंच इमर्जन है, और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैं चेक कर रही थी, तो मैंने देखा था कि बहुत अच्छी रेटिंग है, बट फ्रेंच इमर्जन है, काफ़ी लोग फ्रेंच इमर्जन में देते हैं, विच इज़ गुड। हमने स्टार्टिंग से दिया नहीं तो फिर उसके बाद सोचा नहीं। फ्रेंच इमर्जन मींस कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो फ्रेंच में पढ़ाए जाते हैं और एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होता है। हाँ, फ्रेंच आप सीखोगे बट एक सब्जेक्ट होगा, वो भी आगे जाके। सूर्य देवता आओ आओ, छुपो मत, आ जाओ, हमें आपके धूप की तेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें छोड़ के चले गए पापा। क्विक, नो क्विक नहीं, जब स्नो होता है क्विक नहीं करते, आराम से चलते। हाँ, YMCA का चाइल्ड केयर सेंटर है यहाँ पे। Okay.
संडे आफ्टरनून 11 o'clock हो रहे हैं। लंच के साथ साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कर रही हूँ। गरम मसाला खत्म हो गया था तो ये पैकेट मैं लेके आ जाती हूँ और फिर उसी से इसको ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके और पीस लेती हूँ, तो गरम मसाला पाउडर बन जाता है और आराम से 1-2 महीने चल जाता है इसी से, और फ्रेश फ्रेश भी रहता है। पाउडर मैं लाती थी गरम मसाला का ना, जो रेडीमेड मिलता है, तो उसमें ना कोई खुशबू ना कोई टेस्ट वो कुछ होता ही नहीं था। और घी बनाए हुए बहुत टाइम हो गया था तो घी भी चढ़ा दिया है और साथ में तेल गरम हो रहा है फिश फ्राई करने के लिए। तो लंच में नॉर्मल सा जैसे सरसों और पॉपी सीड के पेस्ट का बनाती हूँ ना फिश, वैसे ही बनाऊंगी। और आज धूप तो है पर हवा बहुत चल रही है। वैसे तो धूप पड़ती है स्नो के ऊपर, काफी अच्छा लगता है, शाइन करता है क्रिस्टल के जैसा, बट क्योंकि हवा चल रही है ना तो जितने भी स्नो जमा पड़े हैं लाइक छत पे पेड़ों पे वो उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, तो एकदम वो भूतुआ वाली जो हवा की आवाज नहीं होती वैसा सा लग रहा है, स्नो स्टॉर्म जैसा बीच बीच में हो रहा है, कंटिन्यूसली नहीं। फिर भी बच्चे सारा गेयर एंड ऑल पहन के चले गए हैं पीछे प्ले करने के लिए। अब नया नया स्नो है ना तो थोड़ा तो थोड़े दिनों तक तो एक्साइटमेंट रहती है। मसाले को बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करती हूँ, बस हल्का सा भून लेती हूँ, जैसे खुशबू आती है ना जैसे रोस्ट मसाले की आती है, तो वैसे ही गैस ऑफ करके थोड़ी देर रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा उसके बाद पीस लूंगी। और ये वाला जो कॉर्नर था ना जहाँ पे सारे अप्लायंसेस रहते थे, वो किचन एड का स्टैंड मिक्सर और जो मिक्सर ग्राइंडर प्रीति वाला, वो सब यहीं पे रहता था, तो मैंने इसको थोड़ा सा खाली किया, सिर्फ इंस्टेंट पॉट और ये गर्म पानी वाला केटल रखा है। और आटे वाला जो है किचन एड का स्टैंड मिक्सर, उसमें तो बस दिन में एक बार ही आटा गुंथता है ना, और वो भी शाम को, तो मैंने नीचे वाला जो किचन काउंटर है ना वहां पे रख दिया और आटे का कंटेनर भी नीचे ही रख दिया है कि वहीं से लो आटा गूंदो और ऊपर लेके आ जाती हूँ। ऊपर नीचे करना तो होता ही है, बट अच्छा लग रहा है कि ये थोड़ा सा एम्प्टी हो गया ना तो बढ़िया लग रहा है, खाली खाली। और यहाँ पे दो छोटे छोटे प्लांट्स भी रख दिए हैं, ये वाला जो दिवाली के टाइम पे ऑर्डर किया था ना वो वाला है ये। और जो मिक्सर ग्राइंडर है वो तो मैं एवरीडे बेसिस पे यूज करती हूँ, तो जो छोटा वाला ग्राइंडर का जार है ना वो तो मैं यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि यही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। और जो मशीन है वो यहाँ पे रख दिया है बिल्कुल सामने कि इजीली यहाँ से निकालो और यहाँ पे कर लो, तो ये काउंटर टॉप भी खाली है और अच्छा लगता है, फिर थोड़ा खाली खाली स्पेस मिल जाता है काम करने का। और यहाँ पे रहे मम्मी, मच बेटर। ये ना हमारे दिवाली के टाइम पे जो फ्रेंड्स आए थे ना, जो कनेडियन है जो वैंडरूप से आए थे, तो वो लेके आए थे ये, तो इसका कंटेनर बड़ा ही प्यारा सा है, ऐसा सा है, तो हमने कभी ट्राई नहीं किया है ये वाला। ग्रीन टी है तो मम्मी लोग पीते थे ग्रीन टी, इंडिया रहते ना तो काफी टाइम से बोल भी रहे थे कि मम्मी की ग्रीन टी लेके आते, अच्छी खुशबू है। अरे वाह, ये तो वो हिबिस्कस, ये रोज भी है और ये ब्लू वाला भी काफी फेमस है मैंने सुना है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये ना फ्लावर पेटल्स वाले हैं काफी, ये आजकल ना फेमस है फ्लावर पेटल्स वाले, तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है और बहुत ज्यादा मुझे ग्रीन टी वैसे पसंद भी नहीं है, बट चलो देखते हैं। मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद, जब से आए तब से बोल रहे थे कि ग्रीन टी लेके आना, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते ही हैं, कॉफी और टी का अलग ही सेक्शन होता है, बट हमने ज्यादा पिया नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, तो देखते हैं ये वाला टेस्ट करके। इसका बॉक्स बहुत ही अच्छा सा है, बिल्कुल वो नवाबो वाला नहीं होता है वैसा वाला लुक आ रहा है, फ्लावर्स पेटल्स एंड रोज पेटल्स नवाबो वाला ही है बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट कप में आरो वाला, हाँ ये ना ट्रांसपेरेंट कप में बहुत सुंदर लगता है। हाँ वो बोरोसिल वाला जो अनुज लेके आए थे चंडीगढ़ से, मैं निकाल के रखूंगी, नीचे ही है सामने ही, बस लाना पड़ेगा। जब भी मैं लंच या डिनर बना रही होती हूँ ना तभी घी चढ़ाती हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं होता, क्योंकि घी तो अपने आप ही बस बनता ही रहता है, नजर रखनी होती है क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाली हालत हो जाती है घी के साथ, तो पहले हाई फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लो और फिर धीरे धीरे लो फ्लेम पे वो बनता रहता है। तो कुछ और कुकिंग चल रही है साथ साथ घी भी बन रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ता और घी भी बन जाता है। चंदन काटे जिमनी गंध है, अरोमा काफी अच्छा है, अच्छा है चंदन काटे, आज खुश हो जाए। आप ही लोग खत्म करना है, मोरक्कन है,
ये तो ऐसी शौकिया पीने वाली चीज है, इसके साथ कुछ नहीं मिलाना नहीं, मजा ही खत्म। और खाने के बाद खाओगे ना, पियोगे ना, तो हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है। जैसे गर्म पानी की जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं, अभी खाने के बाद खाएंगे तो और गल जाए। येलो मस्टर्ड, पॉपी सीड, जिंजर, गार्लिक और मिर्ची, इसको डाल के पहले बिना पानी के पीस लूंगी और उसके बाद हल्का सा पानी डाल के स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। मसाला भी भुन गया है, ठंडा भी हो गया है, बस इसका पाउडर बनाना है। घी बन चुका है, थोड़ा सा सेटल हो जाएगा ना और उसके बाद ठंडा भी हो जाएगा, फिर जार में भर के रख दूंगी। अभी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये है इसका येलो येलो गोल्डन कलर। फिश फ्राई हो चुका है, प्याज, टमाटर और ये पॉपी सीड और सरसों वाला पेस्ट। वैसे तो पॉपी सीड पेस्ट से ही बनाती हूँ, प्याज नहीं डालती हूँ, बट ब्रेकफास्ट बनाया ना तो ये अनियंस ना रेड वाले बहुत बड़े बड़े हैं, तो आधे से कम ही यूज हुआ था तो कटा हुआ रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो प्याज भी ऐड कर देती हूँ। और सबसे पहले डालेंगे कलौंजी। प्याज में नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और उसके बाद ये पेस्ट डाल के उसकी अच्छे से भुनाई करनी। थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर भी कलर के लिए। हल्का सा ये भुन गया है तो टमाटर ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भुनेंगे ना, फिर ये नीचे नहीं चिपकेगा। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें खूब सारा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से बॉयल आने देंगे। थोड़ा सा धनिया और दो मिर्ची अभी ऐड कर दिया है। अब इसमें फिश ऐड कर देंगे। फिश डन है, राइस भी चढ़ा दिया। जल्दी से डिशवॉशर से ना सारे बर्तन डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो बेसमेंट वाला बाथरूम है ना उसके टैप में कुछ प्रॉब्लम आई थी शार वाले में, तो अनुज ने काफी चेंज वेंज किया, नया शार भी लगाया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो प्लम्बर को बुलाया, तो थोड़ी देर में आ जाएगा तो फिर पानी बंद हो जाएगा। तो फटाफट से सारा पानी वाला काम कर रहे हैं और थोड़ा सा पानी स्टोर करके भी रख दिया, पीने का पानी भी एक दो जग में भर के और फिर रख दिया है, क्योंकि चाहिए होता है ज्यादा पानी और पता नहीं कब तक काम चले ना, कुछ नहीं पता होता, इसलिए फॉर द सेफर साइड वो सब डन है। अब बस डिशवॉशर में बर्तन रख देते हैं। लंच खत्म करके मैं फटाफट से एडिटिंग करने आ गई थी, डेलाइट सेविंग आज हुई है तो उसके कारण टाइम डिफरेंस हो जाता है फिर इंडिया कनाडा का ना, हमें तो एक घंटा एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि ठंड हो जाती है, तो वैसे ही मतलब जैसे होता था ना हमारे कि स्कूल की टाइमिंग्स चेंज हो जाती थी, तो यहाँ स्कूल ऑफिस की टाइमिंग नहीं चेंज होती, हम घड़ी की टाइम चेंज कर देते हैं और ऑटोमेटिक हो जाता है, फोन पे लैपटॉप पे अपने आप ही टाइम चेंज हो जाता है, बट हाँ वॉल क्लॉक एंड ऑल इस पे तो करना पड़ता है। तो सुबह उठ के वो सब भी एक काम था कि सारे क्लॉक की टाइमिंग चेंज करो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इससे ना मुझे थोड़ी सी ब्लॉग के टाइमिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं ब्लॉग जब पोस्ट करती हूँ तो यहाँ पे 7:30 इन द इवनिंग होता है और इंडिया में मॉर्निंग के 8 o'clock, तो मेरा यही फिक्स टाइम रहता है। तो क्या होता है मुझे इवनिंग 7:30 तक टाइम मिल जाता है ब्लॉग एडिट करके, अपलोड करके, सारा काम खत्म करने का। अब क्या एक घंटे पहले मुझे करना पड़ेगा अगर सेम टाइम पे मुझे वीडियो पब्लिश करना है, तो आपके इंडिया टाइम 8 o'clock के लिए मुझे 6:30 करना पड़ेगा, तो एक घंटा मुझे कम मिलेगा एडिटिंग के लिए, तो इसलिए वही जल्दी जल्दी कर रही थी। आज तो संडे था, हो गया, बट वर्किंग डे पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो हो सकता है टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो, आप लोग देख लेना, 8 o'clock की जगह हो सकता है 8:30-9 o'clock तक ब्लॉग आए। तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। बाय बाय। With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.